नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार में एक के बाद एक कई नेताओं के बयानबाजी से राजनीति गर्मा गई है। इसी सब के बीच एक बयान अश्विनी चौबे का आया है, जिन्होंने बिहार के महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं नीतीश बाबू को पलटू राम बताते हुए महागठबंधन के होलिका दहन की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि पूरे बिहार में समस्या नीतीश कुमार है। बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार पिकनिक मनाते रहते हैं और गुंडे पुलिस को मारते रहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को फिर जंगल राज में धकेल कर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री ने दावा करते हुए कहा है कि अगली सरकार फिर बीजेपी की होगी। पटना पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि 2024 की तैयारी तो लगातार हो ही रही है। स्वामी सहजानंद जी की जयंती मनाने के लिए अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान आएंगे। इस कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली पर अश्विनी चौबे ने कहा कि महागठबंधन का होलिका दहन होना तय है। यह होलिका दहन होली के पहले हो या बाद में, लेकिन होना तय है। यह लोग महाठग बंधन है, जनता को ठगते हैं। अश्विनी चौबे ने ये भी कहा कि आरजेडी का कोई विधायक बोल रहा है कि ताजपोशी हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा अलग चले गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के अगेंस्ट जेडीयू का गठन हुआ था, लेकिन आज माफिया की गोद में बैठकर नीतीश कुमार बिहार को डसने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। आज बिहार दो गुंडों के गिरोह के जाल में फंसा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि 100 के नीचे बीजेपी को निपटा देंगे। नीतीश कुमार में शक्ति है क्या? जब जब बीजेपी ने साथ दिया तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को नहीं बनाया है। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को नकली आदमी कहा। उन्होंने कहा कि लालू यादव को हॉस्पिटल में कितना दुख होता होगा। बेचारे चाह रहे थे कि उनके बेटे की ताजपोशी हो जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने उनको सिग्नल दे दिया कि हमारा नेता तेजस्वी ही होंगे, तो आखिर आज क्यों रुक गए हैं? दोनों के दोनों ठगने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार पलटन राम है, कब पलट जाएंगे समझ नहीं आता। दोनों के दोनों ठगों का बिहार से सफाया होना तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर हम लड़ने वाले हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। दो तिहाई बहुमत से जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल अश्विनी चौबे ने अपने बयान में बिहार की बदतर स्थिति को बताया है, किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को गुंडा राज में धकेल दिया। वहीं अब बीजेपी महागठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।